और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं एक छोटे सी इंफॉर्मेशन के साथ बेटा आपको, मतलब ये बोल रहा हूं कि अभी अगर मान लो कहीं आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एग्जाम मई में हो सकता है या ऐसा कुछ, अभी पहले कंफर्म होने दो। जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई एग्जाम की क्लियरिटी नहीं होती है, तो आप ज्यादा रूमर्स में मत जाओ। अभी सिर्फ बेटा प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट और अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, है ना। घबराओ नहीं, अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम काफी पहले, मतलब आप समझिए हम नॉर्मली एग्जाम से 2 महीने पहले सिलेबस खत्म करते हैं नॉर्मली। अगर मई में भी होगा तो आपका मार्च एंड में, हर हाल में बेटा आपको मार्च मिड में समझ लो या मार्च के स्टार्टिंग में वैसे करके देंगे, तो आप घबराओ मत, है ना, ठीक है, वो हम करा के देंगे आपको। लेकिन आप बेटा रूमर्स पे मत जाओ बहुत ज्यादा, अभी पहले एनटीए की नोटिफिकेशन आने दो, फिर हम बात करेंगे इस पे, डन है, ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2021 का रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि नीट 2022 का पेपर कब होगा। यस, तो ये जो वीडियो है ये अपकमिंग डेट के बारे में है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और किस मंथ में होने वाला है, किस डेट पे होने वाला है, उसके बारे में ही पूरी वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिकली हम लोग जब प्रिडिक्शन कर रहे थे तो हम एकेडमिक ईयर्स की बात करते हैं, तो हमारे जो प्रिडिक्शन थे उसके अकॉर्डिंग की लास्ट 2 बार से जो एग्जाम है वो सितंबर में हो रहा है, सितंबर 13, सितंबर 12, तो 2022 में भी यही अज्यूम किया जा रहा था कि जो एग्जाम है वो सितंबर में हो सकता है या फिर एग्जाम अगस्त में हो सकता है ज्यादा और जुलाई में हो सकता है, ये हमारे कुछ प्रिडिक्शंस निकल रहे थे। तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिविजन भी चलता है, तो सही डेट का सही मंथ का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमारे सामने जो नई अपडेट है वो अपडेट ये है कि पेपर सितंबर में नहीं होने वाला, पेपर अक्टूबर में नहीं होने वाला, पेपर जुलाई में भी नहीं होगा, पेपर अगस्त में भी नहीं होगा। तो पेपर होने वाला कब है? पेपर बेटा बहुत जल्दी होने वाला है, यानी पेपर अप्रोक्सीमेटली जो नीट हमें वेबसाइट पे जो दिखाया जा रहा है एनटीए की उसमें मेंशन है मई में, लेकिन जो हमारा पेपर है वो होने वाला है जून में। जी हाँ, पेपर होने वाला है जून में, जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आई है, जो एक्सपेक्टेड मंथ निकल के आया है वो हमारा जून है और डेट अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ द मंथ रहने वाला है। तो आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, अभी तक जो 8 से 10 महीने थे आपके पास अप्रोक्सीमेटली, अब वो सिर्फ 7.5 महीने रह गए अप्रोक्स, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर जून में पेपर होता है तो जून में पेपर या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाएगा या फिर सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी किसी भी तरीके से 15 से पहले आपका पेपर करा दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 7.5 महीने बचने तैयारी के लिए, तो पेपर अगर इतना जल्दी होने वाला है तो आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएंगे, अब आपके पढ़ने का तरीका, आपका जो प्लानिंग थी, टाइम टेबल था, सारी चीजें चेंज होने वाली है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो नवंबर से अभी आपको अपना सिलेबस जो है वो किसी भी तरीके से मार्च तक खत्म करना पड़ेगा। अगर आप मार्च तक अपना सिलेबस खत्म नहीं करेंगे तो जून में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मार्च इज द डेड एंड, अगर आप फरवरी तक कर सकते हैं तो फरवरी तक सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, अगर आप और जल्दी कर सकते हैं तो और जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो ये कब होगा? जब आपने टाइम टेबल को चेंज करेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी एंड मेक श्योर जल्दबाजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री को निग्लेक्ट नहीं करना है कि टाइम कम बचा है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। जी नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर 2021 का भी बहुत खराब आया था जिसकी वजह से कट ऑफ जो था वो बहुत ज्यादा खराब गया। तो इसीलिए हमें ये चीज याद रखनी कि इस टाइम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करें और बायोलॉजी हमें साथ साथ में करनी है, क्योंकि बायोलॉजी हमारा मेजर हैंड है, हमारा मेजर जो स्कोरिंग पॉइंट है वो हमारा बायोलॉजी है। सो आपके पास अगर हम अभी से बात करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 5 से 5.5 महीने हैं, आपको इसी के बीच में अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लीजिए, पैनिक मत होइए, पैनिक होके कुछ नहीं होने वाला है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी प्लानिंग बनाइए और आप बिल्कुल फोकस होके अब आपको कहीं पार्टीज में जाना, बर्थडे अटेंड करना, शादी अटेंड करना, ये सब छोड़ दीजिए और बिल्कुल फोकस कीजिए पढ़ाई पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नीट। थैंक यू सो मच।